सेंट लुइस कार म्यूजियम एंड कार शो आज है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हम आए हैं, पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर दी है मैंने, बट नॉर्मल पार्किंग में भी गाड़ियाँ आपको दिखाऊँ तो ऐसी सी हैं। बस यहाँ आँखों के नज़ारे ही हैं सिर्फ, जो देख के दिल खुश हो जाता है वैसे वाले हैं। ये ऐसी चीज़ें थोड़ी इंडिया में कम होती हैं, होती हैं बट बहुत एक्सक्लूसिव टाइप की होती हैं, और जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं वो भी लोग बहुत कम ही होते हैं। पर यहाँ पे पूरा गैरेज भरा हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी कंपनियों के तो नाम भी नहीं पता मुझे, जिसका पता ये डॉज है, कॉर्वेट, शेवरले। ओहो, स्टील के इंजन और उसकी खुशबू, ओहो हो, वो लग बात है, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं, बट देख के दिल को खुशी बहुत मिलती है। और जैसे इंडिया में तो ऐसा है कि, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में ऐसा है कि आप 10 साल से पुरानी गाड़ी चला नहीं सकते ऑन रोड, वो अलाउड नहीं है, बिकॉज पोल्यूशन कंट्रोल करना होता है तो उसकी वजह से वो अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा है कि लोगों के पास जितनी पुरानी गाड़ी है उसको उतना ही मतलब अलग से संभाल के सजा के रखा जाता है। तो यहाँ पे कितनी भी पुरानी गाड़ी हो उसको, उस पर कुछ वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस लुक्स नाइस, मतलब हमारी पुरानी एम्बेसडर टाइप की। तो ये गाड़ियाँ अभी भी चलती हैं, लोग चलाते हैं, सड़कों पे मिल जाएंगी चलती हुई। और जब भी कुछ ऐसी सी गाड़ी चलती है, दिखती है सड़क पे, तो लोगों की आंखें घूम जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पता चल रहा है कि काफ़ी मेंटेनेंस लगती है इसकी और काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी कन्वर्टेबल भी दिख गई, ये फास्ट एंड फ्यूरियस की गाड़ी लग रही है। ये है मसल कार। अब यहाँ यूएस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि इनकी जो नॉर्मल कार्स भी हैं वो भी काफ़ी हमारे ऑर्डिनरी साइज से काफ़ी बड़ी हैं। लुक्स लाइक अ वाइकिंग हेलमेट। ये डॉम टोरेटो की गाड़ी लग रही है, टाइगर बिठा रखा है अंदर। पुराने राजू चाचा लग रहे हैं, नेकेड स्टाइल गाड़ी, ये लगता है खुली चलती है। ये 1928 की गाड़ी है, 1928, और ये अभी भी सड़कों पे चलती मिल जाएंगी ऐसी। This is Mustang, muscle car. ये गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है, ये obviously बहुत ही latest model लग रहा है। I won't say कि ये maintained गाड़ी है, but नई बहुत है। दो चीज़ें एक साथ शो ऑफ यहाँ पे, गाड़ी और ट्रक, पुराने पुराने ज़माने का ट्रक, एंड ट्रक के पीछे बाइक रखी है।
हार्ले डेविडसन। यहाँ पे वोटिंग चल रही है, जिसको जो कार पसंद आई हो अपने हिसाब से वोटिंग कर दे। हैवी मसल कार, इट्स स्ट्रेचेबल, यू नो यू वांट टू। ये कार इतनी बड़ी है कि मेरी हाइट इसके यहाँ तक आती है, बस जस्ट फॉर रेफरेंस। दिस इज अ बिग कार। लाइक हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे इतना प्लस इतना प्लस इतना मैक्सिमम इतना, ये मैक्सिमम साइज होता है गाड़ियों का, इवन इंक्लूडिंग एसयूवी कार्स। ब्लैक फायर, एक और फॉक्स वैगन की क्यूट बस, 1995 पॉन्टियक फायरबर्ड। तो ये वो गाड़ी है जिसको मैं वोट देने की सोच रहा हूँ। दिस इज़ सार्जेंट पेपर। सार्जेंट पेपर की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। 1967 की गाड़ी है ये, एंड दिस इज़ अ मिनी बस। लेट मी गो अ लिटल बैक। वो क्या फिर इतना ही है, मतलब अगर यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से स्टार्ट है, पीछे तक जा रहा है, पीछे का एक सर्कल कवर हो रहा है, फिर अंदर दो लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं। बाकी इसके बाद जो उधर गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो नॉर्मल कार पार्किंग है, ये शो की पार्किंग है। तो जो गाड़ियाँ बस इतने में ही हैं। तो हम घुसे हैं गाड़ियों के म्यूज़ियम में। वैसे एंट्री एडल्ट की $8 है, बट आज एंट्री फ्री है। ये इनका शोकेस है, और शोकेस के जस्ट बगल में ही बच्चों की गाड़ियाँ रखी हुई हैं। पर हैं तो बच्चों की गाड़ियाँ, बट इवन इफ़ यू चेक द डिटेलिंग ऑन द कार्स, वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। ये बढ़िया चीज़ है, कार का सोफ़ा बना दिया है। अब चलते हैं असली म्यूज़ियम में अंदर, ये तो बच्चों वाला एरिया था। अब यहाँ से शुरू होता है आपका कार म्यूज़ियम। मैं बिल्कुल ही एक एंड पे आ गया हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाहरी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है, मतलब इस लाइन के अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो बाहर से ही आप जितना देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं उतना देखिए। काफ़ी तेज़ी तेज़ी से चीज़ों में बदलाव आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले वो गाड़ियाँ चलाते थे, फिर आप इन पे आए, फिर आप इन पे आए, फिर आप इन पे आए, और अब आप टेस्ला टाइप की ऐसी गाड़ियाँ भी चलाते हो, फरारी टाइप की ऐसी गाड़ियाँ चलाते हो। Kind of Lambo, but bigger in size. यहाँ के म्यूज़ियम में मेरे को भी पता चला काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गाड़ियाँ काफ़ी सारी ऐसी हैं यहाँ पे जो आप ख़रीद सकते हो। बट या नॉट ऑल कार्स आर फॉर सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेल पे नहीं है उनके नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, बाकी जो सेल पे हैं उनके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। This one is Audi R8 2011 model. Ferrari 2004 model. Model 1994 Lamborghini Diablo. ऊपर इन्होंने अपने हाईवे 66 का चार्ट बना रखा है
कि हाईवे 66 पे क्या क्या चीज़ें बढ़िया बढ़िया हैं या हिस्टोरिक हैं, तो पूरा रास्ता मार्क कर रखा है। दिस वन इज डॉज, ये है टाटा नैनो परदेसी वर्जन, दिस इज 1972 फिएट। BMW की गाड़ी भी जस्ट पीछे ही है, वो भी ऐसी सी है, बट दिस इज टू सीटर। दिस इज 1958 BMW। अग्निशमन की गाड़ियां ऐसी होती थी। पुराने जमाने की रोल्स रॉयस, कैडिलैक एल दोरादो। ओह, बोट भी रखी है यहाँ पे। पुराने जमाने की स्पीड बोट है। हो गया बस, फिर आज का सफर यहीं समाप्त होता है। अंदर भी घूम लिया, बाहर भी घूम लिया। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में विनर की डिक्लेरेशन होगी, बट उतनी देर तक मतलब बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा ही धूप है, पता चल रहा होता है। आँखें बिल्कुल स्क्विंट करके देखना पड़ रहा है मुझे। चलिए फिर दोस्तों, निकलते हैं, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में किसी और बढ़िया सी अलग सी चीज़ के साथ। सिया।